दोस्तों कुवैत का केएनपीसी कंपनी, ये ऑफर लेटर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर इस कंपनी के नाम से कोई भी ऑफर लेटर अगर आपको मिलता है तो आप ऑनलाइन जरूर उसको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर जल्दीबाजी में आकर के अगर आप पैसा देंगे कहीं पर तो आपका पैसा डूब सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में यही कंपनी नहीं बल्कि बहुत ऐसे कंपनी के नाम से फ्रॉड हो रहा है और लोगों को फेक ऑफर लेटर निकाल करके दिया जा रहा है। फेक ऑफर लेटर ही नहीं बल्कि आपको मैं बता दूं, लोगों को फेक वीजा बना करके दिया जाता है और इस तरीके से वीजा का वेबसाइट भी बनाया गया है कि अगर आप पहली दफा होंगे, अगर आप जाएंगे पढ़े लिखे भी होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ओरिजिनल वेबसाइट पर गए हैं या फेक वेबसाइट पर आए हुए हैं। तो जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी जॉब ऑफर लेटर देता है तो उस जॉब ऑफर लेटर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाता है कि यह ऑफर लेटर ओरिजिनल है या फेक है। जब आप उसको ऑनलाइन जाकर चेक करने का कोशिश करेंगे, चेक करेंगे तो वहां पर भी आप पकड़ सकते हैं कि ऑफर लेटर ओरिजिनल है या फेक है। कभी कभी ऐसे मिलता है कि ऑफर लेटर देखने में भी पता नहीं चलता है कि ये फेक है कि ओरिजिनल है। कभी कभी इस तरीके से लगता है कि 100% ये ऑफर लेटर ओरिजिनल होगा, लेकिन जब हम लोग उसको अच्छे से चेक करते हैं तो पता चलता है कि फेक निकल गया। कभी कभी ऐसे भी होता है कि उस ऑफर लेटर को कंपनी से भी वेरीफाई कराना पड़ता है, और कंपनी के पास जब हम लोग ईमेल करते हैं तो कंपनी बहुत ऐसी कंपनी होती है कि जो रिप्लाई दे देती है और बहुत ऐसी कंपनियां होती है कि जो रिप्लाई नहीं देती है। लेकिन रिप्लाई नहीं देती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑफर लेटर ओरिजिनल है या फेक है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास ऐसे हजारों एसएमएस जा रहे हैं, हजारों ईमेल जा रहे हैं, सबका ईमेल का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। उसको अपने हिसाब से आप लोगों को चेक करना है, और किसी दूसरे आदमी से भी कराना चाहते हैं तो दूसरे आदमी से भी करा सकते हैं। आज कुछ पॉइंट दिखाएंगे इस कंपनी के बारे में, और इस कंपनी को जो ऑफर लेटर मिला है, दो ऑफर लेटर मेरे को मिला, ऐसे तो बहुत ऑफर लेटर मिलता रहता है लेकिन ये कंपनी का आज ही मेरे को दो ऐसे ऑफर लेटर मिला है। दोनों ऑफर लेटर को मैंने देखा और देख करके मैं समझ गया था कि ये ऑफर लेटर 100% फेक है, और दोनों ऑफर लेटर को आज हम दिखाएंगे आपको, और उसमें जो पॉइंट मैंने नोट किया है वो आपको दिखाएंगे कि कैसे मैंने ऑब्जर्व किया और क्या क्या पॉइंट को मैंने ऑब्जर्व किया कि इससे मुझे पता चला कि ये ऑफर लेटर फेक है। चलिए मोबाइल या लैपटॉप पे आपको सब कुछ दिखाते हैं। दो जॉब ऑफर लेटर हमारे व्हाट्सएप पर आया हुआ है चेक कराने के लिए, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एक और ऑफर लेटर आया हुआ है, यहां पर देखें, ये दोनों ऑफर लेटर को मैंने चेक किया और दोनों को मैंने चेक करने के बाद समझ गया कि ये ऑफर लेटर 100% फेक है। आप लोग देख सकते हैं ये केएनपीसी कंपनी कुवैत का है, और इस कंपनी के नाम से आजकल लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देखें, ये ऑफर लेटर जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि इस तरीके का ऑफर लेटर आपको भी मिला हो, और ज़रूरी नहीं रहता है कि सारे ऑफर लेटर फेंक ही हो, लेकिन अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें कुछ बहुत ऐसे पॉइंट होता है कि जो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, चेक करना है, उसके बाद से जाकर के विश्वास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, दोनों ऑफर लेटर को मैंने यहाँ पर ओपन किया है। ऊपर आपको यहाँ पर QR कोड नज़र आता होगा, या और QR कोड को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्कैन करने के बाद समझते हैं कि मेरा QR कोड पे नाम आ रहा है, पता आ रहा है, तो ओरिजिनल है। QR कोड पे मत जाइएगा। ऊपर आपका नाम, आपका पासपोर्ट डिटेल्स रहेगा, नेशनलिटी रहेगा, आपका सैलरी कितना लगा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 200 KD लगाया गया है यहाँ पे सैलरी। नीचे अगर आप आएंगे तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है, कंपनी का स्टाम्प, मोहर, सिग्नेचर सब कुछ लगाया गया है। ऐसा लग रहा है कि ऑफर लेटर 100% ओरिजिनल है, लेकिन हकीकत में देखेंगे तो ये ऑफर लेटर ओरिजिनल नहीं है। आप नीचे देखेंगे तो कंपनी का ईमेल भी लगाया गया है, और बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोगों को समझ में नहीं आता है और वो लोग जल्दीबाजी में आकर के अपना पैसा दे देते हैं किसी भी एजेंट को। एक और ऑफर लेटर मैं आपको जो दिखाऊंगा, वो उसका भी ऑफर लेटर जब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे QR कोड नहीं लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे QR कोड नहीं लगाया गया है, लेकिन वहाँ पे QR कोड लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। आप देखें, नाम है, पासपोर्ट डिटेल्स है, उसके नीचे जाएंगे तो नेशनलिटी है, ट्रेड है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया 280 KD इनका सैलरी लगाया गया है। नीचे जाएंगे सेम सिग्नेचर, सेम स्टाम्प वगैरह सब कुछ सेम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने ऑब्जर्व क्या किया था, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का ऑफर लेटर हमेशा आता रहता है, और यहाँ पर देखेंगे ऊपर, ठीक है, तो आपको रेफरेंस नंबर नज़र आएगा। तो रेफरेंस नंबर देखें, आपको सारे चीज़ समझ में आएगा। रेफरेंस नंबर मैंने चेक किया है, ये 100% फेक है, और रेफरेंस नंबर मैंने मैच किया दो ऑफर लेटर का, सेम रेफरेंस नंबर है। ये मैंने दो ऑफर लेटर आपको दिखाया था, एक पर जिस पर QR कोड नहीं है, दूसरा पर QR कोड है, दोनों का जो रेफरेंस नंबर है सेम है। और डेट अगर देखेंगे तो
13 दिन आगे पीछे का डेट है। आप देखें जो इस पर क्यूआर कोड है, जिस पर क्यूआर कोड नहीं है, दोनों का रेफरेंस नंबर 1251, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर मैंने देखा और देख करके मैं समझ गया था कि भाई ये तो फ्रॉडगिरी चल रहा है। मैंने क्यूआर कोड को भी स्कैन किया था और स्कैन करने के बाद मुझे समझ में आ जाता है कौन सा क्यूआर कोड ओरिजिनल है, कौन सा क्यूआर कोड फेक बनाया गया। और जब आप इस लेटर को मैंने देखा, पढ़ा, लेटर को पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि 100% एडिट किया हुआ है ऑफर लेटर। मेरे भाई आज के ज़माने में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हज़ारों लाखों रुपया लोग दे करके फंसे हुए हैं। तो जल्दीबाजी में कहीं पैसा मत देना, ज़रूर अपना ऑफर लेटर को चेक कर। अगर आपको नहीं पता होगा कि ऑफर लेटर कैसे चेक किया जाता है तो किसी दूसरे आदमी से कराए, तीसरे आदमी से कराए, अगर कोई नहीं कर पाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मुझे ऑफर लेटर चेक कराना है। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड करके अपना जॉब ऑफर लेटर को चेक करा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ फीस लगता है। तो भाई जल्दीबाजी में कहीं पैसा मत देना, अगर देंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।